हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो इस वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से भाई। तो आगे जो है राउंड अबाउट जो है हमको अभी दूसरा ऑर्डर लगा है, तो अभी हम लेने के लिए जा रहे हैं उसको। तो इस रास्ते पे जो है एक बार ऐसा व्लॉग बना लेते हैं सोच के, ऐसा कैमरा ओपन किया। सो अभी बनी रही है इसके साथ। जो इधर का रास्ता जो है बहुत ख़राब है भाई। अभी हम जा रहे हैं जो रेस्टोरेंट है, अभी 10 किलोमीटर का दायरे पे है जो आगे। अभी ये सीधा का स्ट्रीट जो दिख रहा है उसी पे जाना है, तो इधर से सीधा रास्ता है नहीं, तो इधर से हम लोग राइट लेके जो ये रोड पे जाएंगे। तो आगे से हमको यू टर्न लेना है भाई। इधर जो ये सिग्नल जो है बंद होने वाला है, तो हम अभी इसको क्रॉस कर लिया है भाई। इधर से अभी हमको वो रोड पे जाना है यू टर्न करके, तो आगे का वो सिग्नल से अभी यू टर्न लेगा भाई। तो उधर से ऑर्डर पिकअप करना है। उधर भी पार्किंग है नहीं, तो मेरे को लगता है ऐसा रास्ते पे खड़ा करके लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ का कुछ ऐसा है भाई माहौल नाइट का, जो है वीडियो बनाने का क्या बोलते हैं स्टैंड नहीं है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता है भाई। अभी जो इसके पीछे लगाते हैं, अभी तो सिग्नल रेड है, तो अभी ये जब सिग्नल खुलेगा तो उधर से यू टर्न लेना पड़ेगा भाई। सिग्नल जो है वो खुल चुका है, तो चलो इसको पार करते हैं। आगे जो है वो कैमरा है भाई, सिग्नल जो है वो पार हो चुका है। तो मेरे पीछे पीछे एक बाइक राइडर भी आ रहा है, और मेरा आगे एक लगता है एफसी क्रूजर है जो जा रहा है। आगे का सिग्नल से हमको लेना है राइट, लेफ्ट नहीं, राइट लेना है। जो छोटा सा गाड़ी जा रहा है वो भी लगता है राइट ही जाएगा। तो एक आदमी उधर खड़ा है, लगता है रास्ता काटने के लिए खड़ा है, अभी भी कैसा है। और जो इधर जो साइड में बिल्डिंग अभी आएगा, वो ये जो है पुलिस स्टेशन है इधर का जो एरिया का। इधर जो है हर एक एरिया में एक एक पुलिस स्टेशन होता है, गांव हो या सिटी। और आगे जो एक राउंड अबाउट आएगा उससे हमको लेफ्ट लेना है भाई। फिर उधर से आगे जाएंगे तो रेस्टोरेंट जो है मिल जाएगा, तो हमको उधर से करना है ऑर्डर पिकअप। तो भाई एक काम ऐसा ही है, दिन में 24 घंटे में कम से कम 14-15 घंटा हमको ड्राइव करना पड़ता है डेली का, 1000 या 1500 किलोमीटर्स। और अभी जो है मेरा पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, जो रिफिल नहीं किया है। जो इधर ये रोड पे साइड पे गाड़ी लगा के खड़ा है, सब वही ऑर्डर लेने के लिए खड़ा है। अभी इधर तो पार्किंग भी नहीं मिलेगा लगता है, ये जो गाड़ी है अभी निकल रहा है। तो हमको इससे आगे जाके उधर पे पार्क करना है। ये जो दिख रहा है जो स्टेडियम है, एक बड़ा सा इंटरनेशनल स्टेडियम, इसका नाम है अल जाबिर स्टेडियम, जाबिर अल अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम है, जो अभी मैं सब पहले दिखाया। और हमारा जो ऑर्डर अभी जो आया है वो ये इधर है, वो रेस्टोरेंट जो रेसिंग कैंस है। और आगे जो है इधर ऐसा कुछ बनाया है, बहुत अच्छा दिखता है भाई। उधर जो लाइटिंग है कितना बड़ा बड़ा, और इधर सब रेस्टोरेंट का एरिया है भाई। तो अभी ऑर्डर लेके आते हैं, फिर जाते हैं पहुंचाने के लिए कस्टमर के घर पे, और क्या होता है उधर। ऑर्डर भी लगता है रेडी हो गया पिकअप करने के लिए, तो मैं अभी ऑर्डर लेके आता हूँ। जो मेरे को अलार्म बज रहा है, ये जो बोल रहा है कि ऑर्डर रेडी हो चुका है, तो चलो अभी पिकअप करते हैं, फिर जाते हैं आगे। सो गाइस, ऑर्डर जो है मैंने पिकअप कर लिया है, तो अभी चलता हूँ कस्टमर के घर। तो अभी हमको जो है इधर से जाबिर स्टेडियम को एक राउंड लगा के जाना पड़ेगा। इधर से जाने के तो जा सकता है जाने के लिए, बट इधर गाड़ी का जाम बहुत ज़्यादा है, 2-4 गाड़ी है, बहुत तो नहीं। और अभी जाबिर स्टेडियम का एक राउंड मार के से जाएंगे, तो रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट रास्ता जो है ऐसा खाली खाली मिलेगा, जो अच्छा लगता है ड्राइव करने में। और ये जो है किसी चीज़ का टावर है लगता है, कौन सा है मालूम नहीं, हाफ ही है। और ये साइड में जो है पूरा जाबिर स्टेडियम है इधर,
पे जो हाईवे बिग हाईवे और आगे जो है वो फार्मानिया हॉस्पिटल दिख रहा है इधर से। तो कुछ महीने पहले मेरे गाड़ी जो है दूसरा चलाता था तो इधर पे पंचर बोले तो फट गया था, उसका साथ साथ में एसी का जो रेडिएटर होता है वो भी टूट गया था। तो भाई बहुत खर्चा आया उसमें, तो कंपनी को बोल भी नहीं सकता कि बना दे क्योंकि उसमें गलती मेरा ही था। तो ऐसा ही नाइट का टाइम था और मैं थोड़ा स्पीड पे था और आया सामने गड्ढा था और गाड़ी गया गड्ढे पे और उसका झटके से टायर भी फट गया और गाड़ी का जो एसी का रेडिएटर होता है वो भी फट गया। उसके चक्कर में मेरे को इधर का 30 KD का चूना लगा भाई, अपना जेब से खर्च करके बनाया क्योंकि कंपनी को बोल नहीं सकता है। अगर कंपनी को बोलेगा तो शोरूम भेजेगा, उधर पे डबल खर्चा है भाई। तो कंपनी को तो मैं सुनाया नहीं। और इधर जो है ये आइसक्रीम वाला है जो ऐसा दिन भर रहता है, इतना गर्मी होता है इधर फिर भी ये लोग मालूम नहीं कैसा रह लेता है, मैं तो एक मिनट में मर जाऊं भाई। और इधर से हम अभी सीधे चलते हैं जो इधर आगे सिग्नल मिलेगा, सिग्नल से लेने के तो हम लेफ्ट भी ले सकते हैं बट आगे से यू टर्न करना है हमको। तो अभी रास्ता लंबा पड़ गया, अभी भी जाकर स्टेडियम के साइड में ही है मैं। और ये जो है ब्रेकर आ गया और मेरा आगे एक छोटा सा गाड़ी वो भी बहुत स्लो चला रहा है या रही है, लड़की हो सकती है मे भी क्योंकि इधर का लड़की लोग का ड्राइविंग आप लोग पीछे से ही देख के पहचान लोगे कि ये लड़की ड्राइव कर रही है। हमको तो पहचान में आता है बट इसको नहीं बोल सकते मैं कौन नहीं। और इधर जो है इधर कुछ कॉलेज जैसा है, किस किस डे पे जुम्मा या शुक्रवार या शनिवार को पूरा जाम रहता है रास्ता, इधर से निकल नहीं पाओगे इतना ज़्यादा भीड़ रहता है ना, गाड़ी 5 मिनट में 1 इंच आगे बढ़ता है भाई। अभी तो वो जो पहले बताया था वो पुलिस स्टेशन यही है, तो हम अभी ये सिग्नल से लेफ्ट जाएंगे, उनको उधर जाना नहीं है, उधर जाएंगे तो अभी और लंबा रास्ता पड़ जाएगा। तो अभी इधर से हम लेफ्ट लेके चला जाएगा कि सिग्नल पे कैमरा भी नहीं है। अभी जो आगे जो दिख रहा है वो मस्जिद कितना अच्छा, बट छोटा सा मस्जिद है और ये साइड पे कैमरा नहीं है, दूसरा साइड पर है कैमरा बट इधर से हम लोग जा सकते हैं आराम से। तो ये सिग्नल खुलता है तो फिर मैं बताता हूँ कि ये सिग्नल जो है इतना लंबा लगता क्यों है, इधर तो गाड़ी भी नहीं है ना ज़्यादा इसलिए। कभी कभी जो है एक बार में दो बार एक ही सिग्नल खुल जाता है ना, उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है भाई क्योंकि दूसरा लाइन का जो आदमी वो खड़ा का खड़ा ही रह जाएगा, दूसरा जो खुलता है उसका खुलता ही रहेगा, दो बार खुलता है ज़्यादा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है सिस्टम की वजह से। बट अभी तो नहीं खुलेगा लगता है, वो साइड का गाड़ी जो है जा रहा है स्पीड रबु चक्कर होके। भाई सिग्नल जो है खुल गया है तो मेरे को हॉर्न दे रहा है पीछे से, तो हमको भी जाना है इधर से राइट और वो लगता है गुस्सा हो गया। तो ये वाला गाड़ी है जो मेरे को हॉर्न दिया, मालूम नहीं कौन सा गाड़ी है, और पीछे से बाइक वाला भी आ रहा है तो वो वाला लगता है गुस्सा हो गया क्योंकि मेरे को राइट जाना था, इंडिकेटर नहीं दिया था तो वो उसने हॉर्न दिया, उसको भी सीधा जाना है। बट ऐसा करते हैं इधर का लोग, बहुत हरामी होता है कोई कोई, कोई तो बहुत अच्छा होता है गाड़ी रोक के भी साइड देता है। अच्छा ऐसा ही हुआ था जस्ट अभी जहाँ से ऑर्डर लिया वहीं का था दिन में, तो मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो एक गाड़ी आया वो रुका और मेरे को बोला जाओ रोड क्रॉस कर लो, बट दूसरा गाड़ी उसका पीछे वाला था वो बहुत गुस्से में हो गया क्योंकि गाड़ी क्यों रुका रास्ते में, वो हॉर्न देने लगा। बाद में साइड करके वो निकलने लगा कि मेरे को देखा होगा रास्ते में, वो भी गाड़ी रोक लिया और बोला, वो भी ऐसा हाथ से साइन किया, बोला तो नहीं तुम निकल जाओ ऐसा। बाद में मैं दौड़ के निकल गया भाई, गुस्से में भी उड़ा देगा तुम, प्रॉब्लम है इधर इतना गर्मी है और भाई घर से कितना दूर इधर प्रॉब्लम हो जाता है। तो
ऐसे कभी कभी डरना पड़ता है। अभी जस्ट मेरे को ये डरा दिया हॉर्न मार के, क्योंकि मैं मोबाइल भी हाथ पे लिया था, तो ऐसा मोबाइल थोड़ा नीचे कर लिया मैं, मगर मोबाइल देखा तो होगा। और इधर से ब्रेकर लग रहा है और आगे राउंड अबाउट, तो इधर तो ज़्यादा गाड़ी है नहीं, तो इधर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गांव का एरिया है। सिटी के एरिया पे बहुत प्रॉब्लम होता है भाई गाड़ी ड्राइव करने में भी, और लेफ्ट राइट जाने में, क्योंकि गाड़ी का क्राउड ही बहुत ज़्यादा होता है। आगे का गाड़ी जो है BMW है भाई, क्या मस्त दिख रहा है। कभी ऐसा हमको भी चलाने के लिए मिले तो भाई मज़ा ही आ जाए। और आगे जो है फिर से राणा बोला आने वाला है, और लगता है अभी कहीं मार्केट का ही अंदर में देना पड़ेगा, क्योंकि उधर इधर साइड पे एक मार्केट भी है छोटा सा, इधर मार्केट है छोटा सा, और लोकेशन जो बता रहा है वहीं का बता रहा है। और उधर एक पुलिस स्टेशन भी है, जो इधर का पुलिस जो है कुछ भी कर सकता है भाई, किसी का डिपार्ट का भी कोई ट्रैफिक का बंदा भी, और जो ऐसा सिविल पुलिस होता है जो आर्मी लोग को देखता है, ऐसा पुलिस भी कुछ ऐसा ड्राइव गलत कर रहा है तो वो लोग भी रोक के आपको फाइन मार सकता है। इधर ट्रैफिक ही फाइन मारेगा, ऐसा नहीं होता है, कोई भी पुलिस हो रास्ते पे गाड़ी ऐसा अच्छा नहीं चलाएगा तो वो लोग रोक के जो है फाइन मार देता है कोई भी पुलिस भाई। तो अच्छा से गाड़ी चलाना है इधर, और पुलिस स्टेशन ये साइड पे है, वो गाड़ी रखा हुआ है बहुत सारा जो ये सब पुलिस स्टेशन का है। और इधर जो है छोटा सा मार्केट है ये भी इस पिलिया का, तो मेरे को लगता है ये फूड भी इस मार्केट के अंदर का कोई आदमी का होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट इधर भी है, बट उधर से क्यों मंगाया होता है अपना अपना टेस्ट भाई, इधर तो ऐसा ही है। और भाई अभी मैं कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने वाला है अभी, तो भाई BMW वाला बहुत स्लो चलाने लगा गाड़ी, और मेरा हाथ जो है दर्द करने लगा मोबाइल पकड़ पकड़ के। तो भाई वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और ये ऑर्डर जो है कस्टमर तक डिलीवर करता हूँ। और ये बंदा जो है लगता है कुछ पानी लेके जा रहा है, और ओके पानी लेके गया, और मैं इधर से राइट, ये जो पार्किंग है इधर पार्किंग एरिया पे देखता हूँ अभी फ़ोन करके, और वीडियो को जो है इधर ही एंड करता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ जो है बहुत ज़ोर से दर्द करने लगा, और आगे से रास्ता भी नहीं अभी जाने के लिए, किधर से जाएगा मालूम नहीं।